अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 44 पर, और कुछ बुक्स के ऊपर इसकी स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन मीन हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ मालूम करनी है। तो ब्रेथ क्योंकि छोटी होती है लेंथ से, तो हम सपोज करते हैं लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अगर इसकी ब्रेथ एक्स हो, यानी कि हमने ब्रेथ ली है इसकी एक्स, और गिवन है लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, तो लेंथ आएगी इसकी एक्स प्लस 4, क्योंकि लेंथ 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से। तो एरिया का फार्मूला हम लिखते हैं, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो एरिया गिवन है इसका 45 और लेंथ है इसकी x प्लस 4 और ब्रेथ है इसकी x। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, x 4 से मल्टीप्लाई होके प्लस 4x, 45 इक्वालिटी के ऊपर पर जाके माइनस 45। तो ये कोई एन हमारे पास आ गई, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं प्लस का 9x माइनस का 5x, क्योंकि 9 और माइनस 5 4x बनते हैं, और इन दो की प्रोडक्ट 9x की और माइनस 5x की प्रोडक्ट हमारे पास आती है इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के। तो इस तरह फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9, सेकेंड टू थर्ड और फोर्थ टर्म में हमारे पास माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 9, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने सपोज किया था x ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है एरिया, तो x आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने सपोज किया था ब्रेथ x है, तो सो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो ब्रेथ आएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और लेंथ क्योंकि हमारे पास x प्लस 4 थी या 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, तो ये आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जांपल को हल करेंगे।